इस समय उस तरह की विशेषताएं होती हैं जो बाकी समय नहीं होती हैं। आजकल इस पर बड़ा रिसर्च चल रहा है। इस समय सिस्टम में शारीरिक बदलाव होते हैं, तो रात के आखिरी पहर में मस्तिष्क ग्रंथि में सबसे ज्यादा स्त्राव होता है, तो हम इसका इस्तेमाल करना चाहते हैं। आप इसे ऐसे देख सकते हैं कि इस समय आप खुद को बना सकते हैं, आप खुद को वैसा बना सकते हैं जैसा कि आप बनना चाहते हैं। मुझे लगता है कि आप इस चीज को कुछ हद तक संध्या काल में अनुभव करते हैं, इसलिए सूरज निकलने से पहले उठना हमेशा महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि आपको कुछ भी करना नहीं है। अगर आप सिर्फ सतर्क रहकर देखते हैं तो धीरे धीरे आपका बोध बढ़ता जाएगा। इसीलिए हमेशा योग में आपको ब्रह्म मुहूर्त में उठ जाना चाहिए, क्योंकि तब संध्या शुरू होती है। इंसान के शरीर के भीतर धरती का सूर्य और चंद्र से जो रिश्ता है, उसकी वजह से हमारे इंसानी सिस्टम में कुछ विशेष चीजें होती हैं जिसे हम रात का आखिरी पहर मानते हैं। हम सूर्यास्त से सूर्योदय तक रात मानते हैं। रात का आखिरी पहर, इस समय सिस्टम में शारीरिक बदलाव होते हैं। उन्होंने पता लगाया कि आपके शरीर में बेकार चीजें, जैसे कि मूत्र में भी, इस समय उस तरह की विशेषताएं होती हैं जो बाकी समय नहीं होती हैं। आजकल इस पर बड़ा रिसर्च चल रहा है। तो पूरा शरीर एक विशेष अनुकूल माहौल में होता है। मेलाटोनिन हार्मोन प्राकृतिक तौर पर बनता है, जिसका स्राव मस्तिष्क ग्रंथि से होता है। तो रात के आखिरी पहर में मस्तिष्क ग्रंथि में सबसे ज्यादा स्राव होता है, तो हम इसका इस्तेमाल करना चाहते हैं। तो 3:30 से 6 के बीच, या 5:30, या जितने बजे भी सूर्योदय हो, इस समय को ब्रह्म मुहूर्त माना जाता है, क्योंकि आपकी मस्तिष्क ग्रंथि का स्राव सबसे ज्यादा होता है। इसका मतलब आप स्थिर हो सकते हैं। In modern medicine, it is seen as a mood stabilizer. आधुनिक चिकित्सा में इसे मनोदशा को स्थिर करने वाला कहा जाता है। वैसे मैं आप सभी से खुद में सहजता लाने के बारे में बात कर रहा था। खुद में सहजता लाने का मतलब है कि आप में उतार चढ़ाव ना हो, आप सहज हों। एक विशेष समय, ये स्वाभाविक रूप से होता है, उस समय लोग उठकर आध्यात्मिक प्रक्रिया करना चाहते हैं ताकि उन्हें सबसे ज्यादा फायदा हो। तो इसे ब्रह्म मुहूर्त या सृष्टिकर्ता का समय कहते हैं। या आप इसे ऐसे देख सकते हैं कि इस समय आप खुद को बना सकते हैं, आप खुद को वैसा बना सकते हैं जैसा कि आप बनना चाहते हैं। तो आप सुबह भ्रमण बन जाते हैं ताकि आप खुद को वैसा बना पाएं जैसा आप बनना चाहते हैं। देखिए, इंसान जिस सबसे बड़ी मुसीबत का सामना कर रहा है और जिस सबसे बड़ी त्रासदी से गुजर रहा है और सभी जिस सबसे बड़े संघर्ष से जूझते नजर आते हैं, वो बस यही है। उनकी इंद्रियों से एक तरफा बोध होता है। अगर आप ये देखते हैं तो वो नहीं देख सकते। आप रोशनी देखते हैं तो अंधकार नहीं देख सकते। आप ध्वनि सुनते हैं तो मौन नहीं सुन पाते। तो जीवन विरोधों या विरोधाभासों का ढेर बन जाता है। इन विरोधाभासों से गुजरते हुए अपना रास्ता ढूंढना कितना कष्ट है, विश्वास नहीं होता, कितना भ्रम और कितना संघर्ष है। अगर ये लगभग 1 अरब लोग, अगर आप दस्तावेज बनाएं कि वे कैसे कष्टों से गुजर रहे हैं, 1 वर्ष में या 1 दिन में, बस 1 दिन, ये अनंत काल के लिए काफी होगा। ये सब सिर्फ इसलिए क्योंकि उन्होंने जिंदा रहने के साधनों को जानने का साधन मान लिया है। आपको पता होना चाहिए कि रोशनी क्या है और अंधेरा क्या है, अगर आप इससे गुजरना चाहते हैं। दुनिया में काम करने के लिए आपको पता होना चाहिए कि कौन पुरुष है, कौन महिला। तो ये अंतर बहुत एक तरफा है।
वैसे कई मायनों में ये मैंने कहा है, अब तो हर किसी को ये पता है। अब ये आम बात हो गई है क्योंकि मैं इस बारे में कुछ समय से बोल रहा हूँ। आप यहाँ एक पुरुष या एक महिला के रूप में बैठे हैं, पर यहाँ इसलिए हैं क्योंकि एक पुरुष और एक महिला का मिलन हुआ था। आपके माता और पिता दोनों आपके अंदर मौजूद हैं। आपका एक महिला या पुरुष होना सिर्फ एक ऊपरी चीज है, पर आपने इसे बहुत गंभीरता से लिया है और आप कितने सर्कस से गुजरते हैं। बस पुरुष या महिला होना दुनिया में कितना सर्कस है। रोशनी और अंधेरे को भूल जाइए, वो ज्यादा पेचीदा है। लिंग सबसे आसान चीज है, लेकिन कितना संघर्ष है, समाज में कितना भ्रम है। इस गलत फहमी के बारे में कितने धर्म और शास्त्र लिखे जा रहे हैं लगातार। बात सिर्फ ये है, आप सोचते हैं कि प्रकाश और अंधेरे के बीच दो अलग अलग दुनिया हैं, क्योंकि ऐसा ही दिखाई देता है। दिन में दुनिया एक तरह की लगती है, दुनिया दिन में अलग दिखती है, रात के दौरान दुनिया बिल्कुल अलग दिखती है, लेकिन ऐसा नहीं है, दुनिया एक ही है। मुझे लगता है कि आप इस चीज को कुछ हद तक संध्या काल में अनुभव करते हैं, इसलिए सूरज निकलने से पहले उठना हमेशा महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि आपको कुछ भी करना नहीं है। अगर आप सिर्फ सतर्क रहकर देखते हैं तो धीरे धीरे आपका बोध बढ़ता जाएगा। इसीलिए हमेशा योग में आपको ब्रह्म मुहूर्त में उठ जाना चाहिए, क्योंकि तब संध्या शुरू होती है। संध्या काल में अगर आप जागे रहें तो आप अनुभव करेंगे कि इंद्रियों के गलत बोध के कारण आपके मन ने चीजों में फर्क किया है। ये बात आपके अंदर समा जाएगी। ऐसा कब होता है? कब? जब पुरुष स्त्री हो, पक्षी फूल हो, लाल नीला हो, जीवन मृत्यु, संध्या काल। ये कविता आपने कब लिखी? कब? मुझे लगता है 2019 में, जब मैं अमेरिका में था। हमारा ट्रिपल आई, ईशा इंस्टीट्यूट ऑफ इनर साइंसेस, एक शानदार जगह है। प्रकृति के लिहाज से हमें अभी वो जगह बनानी है। कुछ बन गई है, बहुत कुछ बनानी है, पर प्रकृति के लिहाज से वो वाकई एक शानदार जगह है। और जहां मैं रहता हूं वहां से आप सूर्यास्त से बच नहीं सकते। सूरज ठीक सामने होता है क्योंकि हम एक चोटी पर हैं और एक घाटी भी है। सूर्यास्त के समय सूर्य आपके स्तर पर होता है। ऐसा आमतौर पर समुद्र किनारे पर होता है, वहां भी थोड़ा सा ऊपर नीचे होता है। यहां सूर्यास्त के समय सूर्य आपके नीचे होता है, तो आप चाहकर भी सूर्यास्त से बिल्कुल नहीं बच सकते। तो जब मैं सूर्यास्त देख रहा था तब मैंने देखा कि कोई भी इस चीज पर ध्यान नहीं दे रहा है। मैं सूर्यास्त की शोभा की बात नहीं कर रहा हूं। सूर्यास्त में एक स्पष्ट बदलाव होता है, जहां ये और वो नहीं होता, बस ये और ये होता है।